तो कैसे दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अमित, स्वागत है सबका दोस्तों आज की नई वीडियो पे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो पे हम बात करने वाले हैं, जितने भी मेरे दोस्त भाई जो कंप्यूटर के ऊपर काम करते हैं उनके लिए आज की वीडियो पे बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है, खासकर जो जहां पे बहुत ज्यादा कॉपी पेस्ट करते हैं। तो जहां पे होता क्या है, जब भी हम बहुत सारी चीजों को कॉपी कर लेते हैं तो हमारा जो लास्ट वाला कॉपी होता है ना, वो ही जहां पे पेस्ट होता है। अगर सपोज मैंने पहले वाली लाइन को कॉपी किया, उसके बाद मैंने फिर एक नई लाइन है उसको दोबारा मैंने कॉपी कर दिया, और अगर मैं पेस्ट करूंगा तो पहले वाली नहीं होगी, लेकिन जो लास्ट मैंने जहां पे कॉपी की थी ना, वो जहां पे पेस्ट होंगी। लेकिन जहां पे मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप बहुत सारे 3-4-5 चीजों को आप एक साथ जहां पे कॉपी कर सकते हैं और कहीं भी आपको उसको पेस्ट कर सकते हैं, आपको दोबारा उसको कॉपी करने की जरूरत नहीं, जस्ट एक बार कॉपी करो और कहीं भी जाके उसको आप पेस्ट कर सकते हैं। आपको ऐसा नहीं है कि पहले एक कॉपी करो फिर उसके बाद उसको पेस्ट करो फिर दोबारा दूसरा टेक्स्ट कॉपी करो उसको पेस्ट करो, ऐसे करने की आपको जरूरत नहीं है। आपको मैं बताऊंगा क्लिपबोर्ड के बारे में, जो कि आपके लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप के अंदर ही होता है, जस्ट आपको उसको एक्टिवेट करना होता है। जैसे आप जहां पे क्लिपबोर्ड को एक्टिवेट करते तो बहुत सारे आप कॉपी करके उसको कहीं भी पेस्ट कर सकते हैं। तो चलो जल्दी से बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों जैसे कि अभी आप आ चुके हो मेरी लैपटॉप की होम स्क्रीन के ऊपर, अभी मैं आपको समझाता हूँ कि पूरा ये होता क्या है। देखिए सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, जब हम क्लिपबोर्ड को ऑन नहीं करते हैं, जैसे हमारे पास जो बहुत सारे टेक्स्ट है ना, सपोज जहाँ पे मैंने ये पहले वाला ना, जैसे जहाँ पे लिखा है हेलो हाउ आर यू, अगर मैं जहाँ पे इसको क्या करता हूँ कॉपी करता हूँ ना, उसके अगर मैं चाहता हूँ कि नीचे वाले को भी जहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, उसके नीचे है जो उसको भी मैं कॉपी करता हूँ, और मैं चाहूंगा कि भाई ये तीन है ना, तीनों जहाँ पे मैं पेस्ट करना चाहता हूँ, जो कि जहाँ पे सेम लोकेशन के ऊपर नहीं कहीं और सेव करना चाहता, और जहां पे मैंने तीनों को जहां पे कॉपी कर लिया, अभी अगर मैं जहां पे पेस्ट करना चाहता हूं ना, सपोज जहां पे मैं अगर पेस्ट करता हूं तो जो लास्ट वाला जहां पे होगा ना, जहां पे लिखा है प्लीज सब्सक्राइब फॉर क्वालिटी वीडियो, वो ही जहां पे पेस्ट होगा, ऊपर वाले जहां पे नहीं होंगे। फिर हमको जहां पे क्या करना पड़ेगा कि यार दोबारा इसके ऊपर जाना पड़ेगा, इसको कॉपी करना पड़ेगा, तो फिर जहां पे पेस्ट करना पड़ेगा, मतलब कि मेन जो है कि हमारा जो टाइम होगा वो बहुत ज्यादा पेस्ट होता है, जहां फिर हमको सबको जहां पे कॉपी करना पड़ेगा। और फिर अगर हम सबको जहां पे कॉपी करेंगे ना, तो सबको कॉपी कर लेते हैं, फिर हमको क्या करना पड़ेगा, पहले ऊपर वाले को काटना पड़ेगा ऐसे करके कि हम अभी हमको नीचे वाली लाइन चाहिए जी हमने कर ली, ऐसे करके जो होता है बहुत ज्यादा हमारा जो होता है टाइम वेस्ट हो जाता है। क्यों ना ऐसा हो कि सभी जितने भी हैं ऐसे हम करके इस सभी को जहां पे कॉपी कर लें, और जब पेस्ट करने की बारी है तो हम जहां पे जिसको पेस्ट करना चाहते हैं वो ही हम करें। तो चलो मैं आपको बताता हूँ आपको सबसे पहले यहाँ पे करना क्या है। सबसे पहले हमको जहां पे जाना है सेटिंग के ऊपर, सबसे पहले हम जहां पे सेटिंग के ऊपर जाने का है, जैसे हम सेटिंग के ऊपर जाएंगे जहां पे आपको लिखने का है क्लिप बोर्ड, वैसे तो आपको दे देखिए नीचे भी देखने को मिल जाएगा, अगर नहीं मिलता तो जहां पे अगर आप दे देखिए जहां पे मैं सेटिंग के ऊपर आया हूं ना, अगर जहां पे क्लिप बोर्ड नहीं आता तो आपको जस्ट जहां पे लिखने का क्लिप बोर्ड ऊपर आएगा, क्लिप बोर्ड सेटिंग, इसके ऊपर आपको जस्ट क्लिक करने का है। उसके नीचे आपको एक ऑप्शन देखने को मिल रही है ना, क्लिप बोर्ड हिस्ट्री, ये अभी ऑफ है, अगर तो ऑन है तो ठीक है, अगर ऑन नहीं है तो इसको जहां पे आप ऑन कर सकते हैं जहां से, ठीक है, अगर जहां से नहीं ना करना चाहते, जहां इसका एक शॉर्ट कोड होता है जो मैं आपको बताता हूं, विंडो प्लस आपको बी टाइप करने का है, तो जहां पे ऐसा कुछ आएगा इसको आप टर्न ऑन कर दो, आपका जो क्लिप बोर्ड होगा वो टर्न ऑन हो जाएगा। तो अभी आप क्या कर सकते हैं, इतना काम आपका जहां पे हो चुका है, अभी आपको जहां पे वापिस आने का, वापिस हम दोबारा वहां पे आ चुके हैं। पहले क्या था कि अगर मैं इसको भी कॉपी करता हूं, इसको भी कॉपी करता हूं, इसको भी कॉपी करता हूं, तो जो लास्ट वाला जो मैंने कॉपी करूंगा ना, वो ही जहां पे पेस्ट होगा। अभी देखिए मैं जहां पे क्या करता हूं, सबसे पहले मैं जहां पे इसको कॉपी कर लेता हूं, ठीक है, मैंने इसको कॉपी कर लिया, अभी मैंने इसको भी कॉपी कर लिया, इसको भी कॉपी कर लिया, ओके, और मैंने जहां पे इसको भी कॉपी कर लिया प्लीज लाइक एंड कमेंट, ओके, अभी मैंने इन सबको कॉपी कर लिया। अभी मैं चाहता हूँ कि यार इसको मैं पेस्ट करना चाहता हूँ, कोई नई फाइल है उसके अंदर मैं जहाँ पे पेस्ट करना चाहता हूँ, तो पहले क्या था कि जो लास्ट वाला मैंने कॉपी किया था वो ही जहाँ पे पेस्ट होगा, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। अभी हमको क्या प्रेस करने का, अभी विंडो प्लस हमको यहाँ पे वी प्रेस करने का है। ये देखिए जैसे आप विंडो प्लस वी को प्रेस करोगे ना, जहाँ पे आपने जितने भी कॉपी किए ना वो जहाँ पे आ चुके हैं। अभी जहाँ पे आप चाहते हो कि जिसको जहाँ पे पेस्ट करना, सपोज मैं चाहता हूँ प्लीज सब्सक्राइब फॉर माई क्वालिटी वीडियो, इसको जहाँ पे पेस्ट करना, तो मैं इसको करूँगा, फिर मैं जहां पे क्या करूंगा, नीचे फिर विंडो प्लस बी को मैं दबाऊंगा, जहां पे मेरे को वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल के ऊपर करने का है, फिर मेरे को जहां पे नीचे क्या करने का है, फिर मेरे को जहां पे कोई पेस्ट करने का, दोबारा मैं विंडो प्लस जहां पे वी को प्रेस करूंगा, तो जहां पे मैं हेलो हाउ आर यू करूंगा। बहुत सारे ऐसे आप जितने भी होते हैं ना, आप टेक्स्ट को बार बार जैसे कि कॉपी करके कहीं भी उसको पेस्ट कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि आपको दोबारा उसके ऊपर जाना पड़ेगा कॉपी करने के लिए। एक टेक्स्ट आपने कॉपी किया उसको पेस्ट किया, फिर दोबारा कॉपी किया उसको पेस्ट किया, या फिर आपको पूरा पैराग्राफ जो होता है वो कॉपी करना पड़ता है, उसमें से फिर कट करना पड़ता है, ऐसा करने की जरूरत नहीं है। जस्ट आपको यहां पे करना क्या है, कोई भी थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर आपको यूज नहीं करने का है, जस्ट आपको क्लिपबोर्ड को सिंपल ऑन करने का है, सेटिंग के अंदर जाके, या फिर आप विंडो प्लस जहां पे वी को प्रेस करोगे फिर भी क्लिपबोर्ड वो ऑन कर सकते हैं, उसके बाद आप जहां पे इसको पेस्ट कर सकते हैं, सिंपल ये तरीका है। दोस्तों यही था इस वीडियो पे, वीडियो अच्छी लगी कुछ आपको सीखने को मिला करो, वीडियो को लाइक करें कमेंट करें। जो दोस्त पहली बार मेरे चैनल के ऊपर आए हैं, जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज वो भी थोड़ा सा टाइम निकाल के सब्सक्राइब कर लेना। Thank you.